नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो में हम देखेंगे SSCPO SI 2018 के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करने हैं, क्या एग्ज़ाम डेट्स हैं, वो सारा कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि SSC के जो भी कोई नई अपडेट होती है तो सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल पर आता है और आपको अप टू डेट रखते हैं SSC से हर एग्जाम्स के रिगार्डिंग। जो भी नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड्स आते हैं, एग्जाम डेट्स में कोई चेंज होता है तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए। तो आप देखें तो SSC के CPO के मतलब एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और उसके एग्ज़ाम्स होंगे 12 मार्च 2019 से 16 मार्च 2019 के बीच में। ये मैंने सेंट्रल रीजन की वेबसाइट खोली है, आप भी जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन की वेबसाइट खोल के वहाँ से एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रीजन्स के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, जिनके नहीं आए हैं वो एक आधे दिन में आ जाएंगे। और अभी आप देखेंगे तो सेंट्रल रीजन की वेबसाइट पे यहाँ पे एडमिट कार्ड सेक्शन में जाएंगे तो ये फर्स्ट ही लिंक शो कर रहा है कि 26 तारीख को, देखिए 26 फेब को ये एडमिट कार्ड आए हैं। तो ये पेपर वन होगा आपका 12 मार्च से 16 मार्च के बीच में। इस पर क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपको जिस भी रीजन से हैं उस रीजन की वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सेंट्रल रीजन है तो उसकी ये वेबसाइट है, ये उत्तर प्रदेश बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड के लिए नॉर्थ रीजन की, और जैसे सेंट्रल रीजन की ये उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के लिए है, कर्नाटक के लिए मतलब KKR रीजन है, साउथ रीजन के लिए आंध्र प्रदेश पांडिचेरी और तमिलनाडु, मतलब जो जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसी रीजन की वेबसाइट रीजनल वेबसाइट पे जाके आपको एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने हैं। इस वजह से आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी पड़ेगी और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और ये नंबर वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आप ह्यूमन हैं कि मतलब कोई रोबोटिक या फिर मतलब कोडिंग के थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड नहीं निकाल रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई कराना पड़ेगा। उस पर सर्च करेंगे तो आपका पूरा स्टेटस शो कर देगा और आप इसमें जैसे वो देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा आपको मतलब मल्टीपल्स आपको निकालना वो अलाउड नहीं है, वो आपके आईपी को ब्लॉक कर देंगे अगर आप बहुत सारे एडमिट कार्ड्स निकालते हैं। तो अगर आपको ये सब याद नहीं है तो आप अपने नाम से फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम होगा 12 मार्च से 16 मार्च के बीच में, तो एग्ज़ाम बहुत नियर है, आपका एडमिट कार्ड सभी डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। 12 मार्च से 16 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम है, कैसे क्या एग्ज़ाम्स रहेंगे, उसके क्या एग्ज़ाम का रिव्यू भी हम आपके इस चैनल पे लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक है तो आप इस पर जाके फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है तो उस पर भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए मतलब एक वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई भी नई अपडेट होती है, छोटी सी न्यूज़ होती है तो हम आपको फेसबुक और टेलीग्राम पर अप टू डेट रखते हैं। और वैसे कोई बड़ी न्यूज़ आती है, नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू भी अपडेट करेंगे। तो अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि उससे सारी अपडेट आपके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में आ जाती है और ना आपके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में इसको नोटिफिकेशन शो नहीं करता सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो बेल आइकन का प्रेस करना जरूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।